ऐसा है लता स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। आज ही जानकारी प्राप्त हुई सुबह की, भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। लता जी का जो योगदान भारत में रहा है, भारतवासी किसी भी सूरत में उनको भूल नहीं सकते। मुझे याद है कि जब भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, जिस समय उनको सम्मानित किया गया था, उस समय समाज जीवन के हर क्षेत्र से इस बात की प्रशंसा की गई थी, यह चयन बहुत ही उपयुक्त हुआ है। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक अपूर्णीय क्षति है और मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाये गीत लोगों को जोड़ते थे, भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाये गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। मैं तो इन शब्दों से उनको याद करना चाहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कुछ हस्तियां होती हैं दुनिया में जो बार बार जन्म नहीं लेती हैं। वो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल में जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि लाखों सालों के बाद कोई न कोई इस तरह की हस्ती होती है।
जो जन्म लेता, और शायद ऐसे ही एक व्यक्तित्व लता जी के अंदर था, जो शायद कई हजारों सालों के बाद इस तरह की एक मेलोडियस वॉइस दुनिया में आवाज़ पैदा हुई थी, और शायद कई हज़ार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूज़िक के लिए। मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वर वर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया, वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, इतनी स्वर सिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना, और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी।